माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स फॉर फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, यदि आपके फेस पे दाग हैं, धब्बे हैं, छाइयां पड़ गई हैं, तो आप इससे बहुत परेशान होते हैं, महंगे से महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है, आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, आप अपने घर पर इसे बड़े ही आसानी से बनाकर अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ना ही आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, आप अपने घर पर बड़े ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही सरल विधि से कम समय में बताते हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो सबसे पहले हम आपके पास पहुँचा सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ईनो को आपको किस तरह से अपने फेस पे इस्तेमाल करना चाहिए। ईनो आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके फेस पे कोई भी दाग हैं, धब्बे हैं, तो बहुत ही जल्दी खत्म कर देता है। तो किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। शरीर के रंग को गोरा करने के लिए, कालेपन और मैल को हटाने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। आपके हाथ पैर पे कहीं पर भी कालापन है तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करिए। एक से दो बार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कितने भी पुराने दाग धब्बे हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको लेना है एक पाउच ईनो लेना है, यानी कि आपको लेना है आधा चम्मच ईनो। आधा चम्मच ईनो में आपको मिलाना है एक चम्मच काफ़ी पाउडर, एक चम्मच आपको मिलाना है हल्दी। उसके बाद फ्रेंड्स, आप उसमें एक नींबू काट लें, आधा जो आपने नींबू काटा है पूरा आधा नींबू आप उसमें निचोड़ दीजिएगा, पूरा रस यानी कि एक चम्मच रस आप उसमें निचोड़ दें। जब आप उसमें नींबू का रस डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग सा झाग उसमें निकलने लगता है। उसके बाद आप इन तीनों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप अपने हाथ और पैर या अपने फेस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हाथ और पैरों में कहीं पर भी मैल हो, जमी हुई मैल हो, तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अंडर आर्म में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस के लिए आप इसे ज़्यादा समय तक आप इसे अपने फेस पर घोलकर भी मत रखिएगा, क्योंकि जो आपके हाथों और पैरों के लिए बनाया गया पैक है आपके स्किन के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत कोमल होती है फेस की। तो उसके लिए आप अलग से पैक बनाएं, उसमें कम मात्रा में इनो मिलाएं और कम मात्रा में ही आप नींबू का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने फेस पर ज़्यादा से ज़्यादा तक 5 मिनट तक ही आप इसे लगे रहने दीजिए, क्योंकि आपके हाथों और पैरों से आपकी स्किन बहुत ही अलग होती है, कोमल होती है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने फेस पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में एक बार करें, यदि आप इसे अपने पैरों पर हाथों पर इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में आप इसे 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने भी पुराने कालेपन हों, जमे हुए मैल हो, तो वो एक ही बार में समाप्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, आप बहुत परेशान होते हैं, अपनी कुहनियों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों पे पैरों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुँचा सकें। थैंक यू।